मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट नाइन लाइफ में। इरफान खान यूं तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उनकी यादें अभी भी उनके फैंस के दिलों में जिंदा है। उनके फैंस अभी भी उनके कामों को काफी पसंद करते हैं। और इसी बीच बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी अपने को स्टार को अब याद कर रहे हैं। जी हाँ, फिल्म पीकू में दोनों ने साथ में काम किया था और अब इरफान खान के जाने के बाद अमिताभ बच्चन ने उनके बेटे को एक चिट्ठी लिखी है। तो चलिए जानते हैं आखिर पूरा मामला है क्या और उन्होंने इस चिट्ठी में क्या लिखा है। एक्टर इरफान खान फिल्म इंडस्ट्री के शानदार एक्टर में से एक रहे हैं। उन्होंने अपने अभिनय से दुनिया भर में नाम कमाया है, मगर अफसोस अब इरफान खान इस दुनिया में नहीं रहे। एक्टर को गुजरे हुए करीब 2 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन उनकी यादें फैंस को अक्सर सताती रहती है। इरफान के बेटे बाबिल खान अपने पिता से जुड़ी यादें साझा करते हुए रहते हैं। अब इरफान के को स्टार और बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को भी इरफान की याद सता रही है। उन्होंने बाबिल खान को एक लेटर लिखा है और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी किया है। बाबिल खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो अपने पिता संग जुड़े सुनहरे पलों को साझा करते रहते हैं और अपने वर्क कमिटमेंट की भी डिटेल्स शेयर करते हुए दिखाई देते हैं। हाल ही में बाबिल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अमिताभ बच्चन द्वारा दिए गए लेटर की फोटो शेयर की है। इसमें 17 मार्च 2022 की डेट मेंशन है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन के निवास प्रतीक्षा का पता भी दिया हुआ है। बिग बी ने लेटर में लिखा है कि जीवन क्षणिक है और मृत्यु विशाल है, लेकिन संबंध हमेशा मृत्यु पर अतिक्रम करता है। जो यादें एक बार अजीज लोगों के साथ बन जाती है, उन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। कभी हमें वो यादें हंसी मजाक में याद आती है, तो कभी खुशी में याद करते हैं, तो कभी गम में याद करते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा हमें उनसे जोड़ कर रखती है। आपके पिता एक महान शख्सियत थे। जिन लोगों से संपर्क में इरफान आए होंगे, वो सभी लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, उनकी याद बहुत आती है, ऐसा अमिताभ बच्चन ने इस लेटर में मेंशन किया है। साथ ही अमिताभ ने लेटर में बाबिल के अलावा उनके भाई अयान और माँ सुतापा सिद्दीकर का नाम भी मेंशन किया है। अमिताभ बच्चन के इस लेटर को बाबिल ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके एक हर्ट इमोजी भी डाली है। तो अब तेजी से वायरल हो रही है और लोग इस लेटर को खूब पसंद भी कर रहे हैं। तो आज के इस रिपोर्ट में हमने बताया कि कैसे अमिताभ बच्चन अपने को स्टार इरफान खान को याद कर रहे हैं और उनकी याद में उनके बेटे को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और उसके साथ ही उन्होंने उनके बेटे को उनकी आने वाली फिल्मों के लिए भी बधाई दी है। ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़े तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। धन्यवाद।